सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। तो चलिए रुक करते हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरों की ओर, जहां संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में केवल हंगामे की आवाज ही बुलंद हो रही है। देश की 2 बड़ी पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस संसद में एक दूसरे पर जवाबी हमले कर रही है। दोनों के पास अपनी वजह है। बीजेपी जहां राहुल के लंदन में दिए गए बयान पर पहले दिन से ही हमलावर है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल अडानी और हिंडनबर्ग जैसे मुद्दों को भुनाने में लगी हुई हैं। विपक्षी दलों ने पैदल मार्च करके अडानी मुद्दे पर जेपीसी की भी मांग की है, लेकिन सवाल ये उठता है कि अडानी मुद्दे पर कोर्ट ने एक कमेटी का गठन करके जांच बैठा दी है, तो उसके बावजूद विपक्षी दल ऐसे मुद्दों को क्यों उठा रहे हैं? संसद का बहुमूल्य वक्त को बर्बाद कर रहे हैं। और साथ विपक्ष एक तरफ तो ईडी पर सवाल खड़े करती है, लेकिन इस मुद्दे पर ईडी की दुहाई दे रही है। तो आज संसद सत्र का 14th दिन भी हंगामेदार रहा, जिसके बाद जैसे ही कार्रवाई 2 बजे शुरू हुई, उसके तुरंत बाद ही कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा, क्योंकि अब जो है वो संसद में लगातार सत्ता दल और विपक्षी दल एक दूसरे पर हावी होते हुए नजर आ रहे हैं। जहां विपक्षी दल अडानी और हिंडनबर्ग मुद्दे को लेकर सरकार को घेर रहा है, तो वहीं जो बीजेपी है वो राहुल गांधी के लंदन में दिए गए बयान को एक बार मुद्दा बना रही है। तो राहुल पर लड़ाई अडानी, ईडी और सीबीआई पर, तो यानी दोनों ही जो पक्ष है वो एक दूसरे को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विभांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विभांशु, भाजपा राहुल गांधी के जिस बयान को लगातार मुद्दा बना रही थी, आज उसी बयान पर सफाई देने के लिए जब राहुल गांधी संसद में आए तो वो सफाई तो नहीं दे पाए, लेकिन एक बार फिर से संसद की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। आखिर ऐसे कार्रवाई का स्थगन कब तक चलेगा? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो बजट सत्र के बीच का आज 4th दिन था, और आज एक बार फिर जो सदन की कार्रवाई थी वो हंगामों के भेद चढ़ गया। बात की जाए तो विपक्षी दल जहां लगातार अडानी मामले को लेकर जेसीबी की मांग कर रहे हैं, जिसकी जांच की मांग कर रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिर जेपीसी की जाँच पर क्यों डर रहे हैं। वही आपको बताए की आप 4 दिनों से लगातार देख रही है की सदन के अंदर में पक्ष यानी की जो यश ट्रॉफी है वो लगातार कह रही है कि राहुल गांधी जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जो उनका संबोधन था उसमें उन्होंने भारतीय लोकतंत्र पर कहीं ना कहीं हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि हमें पार्लियामेंट में बोलने नहीं दिया जाता, मेरे माइक बंद कर दिए जाते हैं, और इस मामले को लेकर लगातार पक्ष से माफी मांगने की बात कर रहा है। वही आपको बताया कि जहाँ विपक्ष एकजुट होकर जेपीसी की मांग कर रहा है, साथ ही आपने देखा कि कल विपक्ष ने 16 विपक्षी दलों ने जिसमें कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, लेकिन विभांशु जब कोर्ट ने कमेटी का गठन कर दिया है, जब कमेटी उसकी जांच कर रही है, तो आखिर संसद का बहुमूल्य समय बर्बाद क्यों किया जा रहा है? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए कोर्ट ने इस पे कमेटी बनाई है और जांच की बात कही है, मगर विपक्ष पूरी तरह से इस बार सदन में बजट सत्र से ही अडानी मामले को लेकर जेसीपी की जांच की मांग कर रही है, और कहीं ना कहीं इससे आम जनमानस के जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, सांसद हैं, जो भारत के कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी से चुने जाते हैं और वो संसद के अंदर में बैठते हैं, अपने क्षेत्र की समस्याओं को सदन के पटल पर रखकर निदान दिलाने की बात कहते हैं, आग्रह करते हैं, उस पर चर्चा होती है, इससे कहीं ना कहीं हंगामों की वजह से इन तमाम मुद्दों पर कहीं ना कहीं पानी फिरते हुए नजर आ रहा है। आपको बताएं कि जहां एक तरफ आज राहुल गांधी सदन के दूसरे फेज के 4th दिन आज सदन की कार्रवाई में हिस्सा लेने पहुंचे, तो कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं वो काफी उत्साहित नजर आए। उसके बाद आपको बताएं कि राहुल गांधी ने कहा कि मुझे जब सदन में मौका मिलेगा तो मैं उसका जवाब दूंगा, मगर उसके ठीक बाद आपको बताएं कि आज दोपहर 2 बजे तक सदन को स्थगित किया गया, फिर चलाने का प्रयास किया गया, मगर सदन को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया गया। अब सदन कल चलेगी, मगर उससे ठीक बाद सदन के स्थगित होने के बाद पूरे दिन के राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केंद्र सरकार और अडानी पर जमकर निशाना साधा। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने कहा कि जब विपक्षी दल तो ये कहती है कि देश में बेरोजगारी है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, महंगाई चरम पर है, अब जब ऐसे में इन सब मुद्दों पर चर्चा करने की बात है, तो जो तमाम विपक्षी दल है अब वो अडानी और हिंडनबर्ग मामले से ही बाहर नहीं निकल पा रहे, तो ये आम जनता के मुद्दों को कैसे उठाएंगे फिर? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पे आप देख रही हैं कि लगातार जो प्रमुख विपक्षी दल हैं
कांग्रेस पार्टी की अगुवाई में अडानी मामले को लेकर टूल बनाकर और उसे पेश किया जा रहा है, जेपीसी की मांग की जा रही है। मगर उनका कहना है कि आखिर जब सब चीजें सही हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के जाने माने उद्योगपति गौतम अडानी का जो रिश्ता है उसको लेकर हमारी पार्टी और विपक्ष सवाल पूछ रहा है, तो उस पर सरकार के लोग क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए तो राहुल गांधी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर देखा जाए तो साफ तौर से निशाना बनाते हुए उन्होंने कहा कि मुझे जब सदन में मौका मिलेगा, मैं माननीय सदन का हिस्सा हूं और लोकसभा के अंदर में मैं हिस्सा हूं, अब मुझे जब समय मिलेगा तो मैं उस चीजों को बताऊंगा कि मैं आखिर किन चीजों को वहां रखा हूं, क्यों रखा हूं, इन सबका स्पष्टीकरण दूंगा। वहीं उन्होंने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री जब विदेश यात्रा पर बीते गए हुए थे तो उन्होंने कई बार अपने संबोधन में कहा है कि भारत के अंदर में 70 सालों में कुछ नहीं हुआ है, साथ ही भारी मात्रा में भ्रष्टाचार हुआ है। तो राहुल गांधी ने इस आरोप के साथ सवाल किया है कि क्या उस समय देश की गरिमा और देश की जो छवि है उसको दबो धूमिल नहीं हुई थी। अब देखना थोड़ी देर पहले राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मुझे बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा वरना मैं बोलूं, लेकिन जो हंगामा है वो भी तो लगातार विपक्षी पार्टियों द्वारा ही किया जा रहा है। जी बिल्कुल, राहुल गांधी ने साफ कहा है कि जब सदन के अंदर में मुझे मौका मिलेगा सदस्य के तौर पर तो मैं अपनी बात को स्पष्ट रूप से रखूंगा, मगर कहीं ना कहीं विपक्ष को जेपीसी और अडानी मामले के साथ साथ, क्योंकि लोकतंत्र है, आवाज उठाना, सवाल पूछना जायज है, मगर जो देश की प्रमुख समस्याएं हैं उस पे भी चर्चा करने की आवश्यकता है। मगर राजनीतिक दल जो विपक्ष के हैं वो लगातार अगर देखा जाए तो जेपीसी और अडानी मामले को लेकर हमलावर है। बात की जाए तो बजट सत्र हुआ उसमें अगर देखा जाए तो तमाम प्ले कार्ड संसद के अंदर में लहराए गए, उसके ठीक बाद आप फेस शुरू हुआ है, आज चौथा दिन भी स्थगित रहा है, तो तमाम मुद्दों पर। और बात की जाए तो लोकसभा के अंदर में लगभग 5 बिल हैं, साथ ही साथ लगभग 26 बिल राज्यसभा में हैं, तो इन बिलों से कहीं ना कहीं देखा जाए तो समाज के जो निचले से उच्च तबके के लोग हैं उनके बेटरमेंट के लिए, उनके बेहतरी के लिए बिल आ रहे हैं, इन पे भी चर्चा होनी चाहिए। और जो लंबे अरसे से राज्यसभा और लोकसभा को मिलाकर 31 बिल है उन पे भी चर्चा करके उसमें सहमति के साथ पास होने की आवश्यकता है। अच्छा विभांशु, एक गाना है कि ये इश्क नहीं आसा बस इतना समझ लीजिए, लेकिन मैं इसमें जरा सा बदलाव करूंगी, ये राजनीति नहीं आसा बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। 2024 में लोकसभा का चुनाव है, तो क्या लगता है कि ये गाना विपक्षी पार्टियों पर बिल्कुल सटीक बैठता है, तभी वो इस मुद्दे को नहीं छोड़ रहे हैं? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो अडानी मामले को लेकर और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबंधों को लेकर लगातार हमलावर है, और इससे साफ है कि 2024 के चुनाव में जो विपक्ष है वो इन मुद्दों को लेकर चुनाव में आएगा। और देखने वाली बात ये होगी कि इन तमाम मुद्दों पर जनता का क्या रुख रहता है, जनता किसे अपना जो समर्थन है वो देती है, वो कहीं ना कहीं 2024 लोकसभा चुनाव के बाद साफ होगा। मगर विपक्ष को तमाम मुद्दों के साथ साथ जो आने वाले जो प्रश्नकाल के आने वाले अगले दिन है, 4 दिन कहीं ना कहीं बर्बाद हो चुके हैं, बीत चुके हैं, तो जो आने वाले दिन है उसमें प्रमुख समस्याओं पे बात करने की आवश्यकता है। और बात करें तो सदन की कार्रवाई में जनता की भी अपेक्षा रहती है कि हमारे चुने गए जनप्रतिनिधि क्षेत्र की समस्याओं को उठाएंगे और निदान दिलाएंगे, तो कहीं ना कहीं जो आम जनमानस है वो भी सदन की कार्रवाई से कहीं ना कहीं अपेक्षा लगाकर बैठा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि राहुल गांधी को संबोधन जब का मौका दिया जाता है तो वो अपना पक्ष कैसे रखते हैं। बिल्कुल, धन्यवाद विभांशु इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए, दर्शकों तक तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो एक तरफ जहां दिल्ली की सियासत गरमाई हुई है तो वहीं बिहार में भी सियासी उठापटक लगातार जारी है। वजह है जमीन घोटाला। इसकी आज से भले ही लालू परिवार को कोर्ट से थोड़ी राहत मिलती देखी गई है, लेकिन लालू के लाल यानी तेजस्वी यादव अभी भी सीबीआई के रडार पर है। जी हां, उन्हें 25 मार्च को सीबीआई ने बुलाया है। दिल्ली हाईकोर्ट में तेजस्वी यादव की याचिका पर सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कहा कि वो बिहार के उप मुख्यमंत्री को इस महीने गिरफ्तार नहीं करेंगे। इसके तेजस्वी यादव सीबीआई के सामने पेश होने के लिए तैयार हो गए हैं और तेजस्वी यादव 25 मार्च को दिल्ली स्थित सीबीआई मुख्यालय में सुबह 10:30 बजे पूछताछ के लिए पेश होंगे।
तो तेजस्वी पर सीबीआई की तलवार लटकती हुई नजर आ रही है। वही इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मंजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मंजीत, जिस तरह से तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं और सीबीआई का शिकंजा कसता जा रहा है, क्या लगता है? मैं बता दूं कि बिहार में सियासी जो है गर्मागर्मी बनी हुई है और जिस तरह का राजनीति हो रही है उसमें आपको बता दें कि आज तेजस्वी यादव ने जो डिप्टी सीएम है बिहार के, उन्होंने सीबीआई पे भी कुछ बातें कह दी और उन्होंने एक तरह का कहा जाए कि उन्होंने बता दिया सीबीआई को, कह दिया कि सीबीआई भी नौकरी से रिटायर होंगे, उनके भी बीवी बच्चे परिवार हैं, क्या वो सब दिन नौकरी में, ऐसे ऐसे शब्दों को उन्होंने बिहार के जो डिप्टी सीएम है उन्होंने ऐसा कहा। आपको बता दें कि दिल्ली में सीबीआई कोर्ट में उनको 25 मार्च को सुबह में उनको बुलाया गया है और इस आपको इसलिए बता रहा हूं कि सीबीआई ने जिस तरह का जो पिछले समय अपनी पत्नी का हवाला देते हुए कि तबीयत खराब है, तेजस्वी यादव नहीं वहां पे पहुंचे थे, उसको लेकर जो है कि सीबीआई ने कोर्ट में एक दाखिल कोर्ट में शमिट कर दी है कि इनको जमानत। बिल्कुल मंजीत, तेजस्वी यादव की 25 को पेशी होनी है, ऐसे में अभी तक उनकी तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया मिलती हुई दिखाई दे रही है? जी, उन्होंने तेजस्वी यादव की तरफ से जो पार्टी के लोग हैं और बता रहे हैं कि 25 मार्च को जिस तरह का सीबीआई में पेश होना है वो पेश होने के लिए राजी, सूत्रों ने बता रहा है कि राजी हो गए हैं और सीबीआई के जो कोर्ट है, अदालत है, वहां पे वो जाकर सुबह में 25 मार्च को वहां जाएंगे। बिल्कुल मंजीत, जैसे कि हमने पुराने दिनों में देखा कि जिस तरीके से जब कोई दिग्गज नेता को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है तो कार्यकर्ताओं का हंगामा देखने को मिलता है, तो क्या लगता है कि वहां पर भी कुछ ऐसी स्थिति बनेगी या फिर नियंत्रण में रहेगी? नहीं जी, अभी जिस तरह का जो है कि बयान तेजस्वी यादव सीबीआई पे दिए हैं उस तरीके से लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो है कि उनके कार्यकर्ता भी जो है कि गुस्से में नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी तक उस तरह का कोई धरना प्रदर्शन और किसी तरह का ऐसे सीबीआई के प्रति नहीं की गई है, तो अभी ये कहना निश्चित नहीं। बिल्कुल, धन्यवाद इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए, साथ ही दर्शकों तक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो प्रयागराज उमेश पाल शूटआउट केस का एक और फुटेज अब सामने आया है, जहां 32 सेकंड का ये वीडियो उमेश पाल के घर की गली का बताया जा रहा है, जो शूटआउट का अब एक नया सबूत है। वो सबूत जिसमें घायल उमेश पाल दिख रहे हैं, उन्हें गोलियां मारते शूटर भी दिखाई दे रहे हैं और सबसे बड़ा दावा जो किया जा रहा है कि वो ये है कि इस नए सीसीटीवी फुटेज में गोलियां बरसाता अतीक के बेटे असद के दिखाई देने का भी दावा किया जा रहा है। इसी बीच गोलियों की आवाज सुनकर उमेश पाल के पुराने घर एक लड़की बाहर निकलकर उन्हें बचाने के लिए पहुंचती है, लेकिन शूटरों को देखते ही वो डरकर वापस भागती है और भागते सिपाही पर भी बम और गोलियों की बौछार हुई है। तो इस वक्त प्राइम टीवी के माध्यम से हम आपको वो फुटेज दिखा रहे हैं जो इस वक्त सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल हो रही है, क्योंकि इस हत्याकांड के महज 20 दिन बाद अब एक ये नई फुटेज सामने आई है, जहां मर्डर से पहले झड़प और वीडियो में सबूत जो है वो कैद होते हुए नजर आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उमेश पाल के पुराने घर से लड़की बाहर आती है, वो बचाने की भी कोशिश करती है, लेकिन जब वो शूटर्स को देखती है तो वो भागती है, साथ ही साथ लोगों को बुलाने की भी कोशिश करती है। लेकिन आप ये नई फुटेज देख रहे हैं, यह हत्याकांड से महज 20 दिन बाद का फुटेज, और इसमें आप देख सकते हैं कि जो सिपाही है वो भी भागने का प्रयास कर रहा है, लेकिन उस पर भी गोलियां और बम बरसाए गए हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी पवन पटेल प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, हत्याकांड के महज 20 दिन बाद अब एक नया फुटेज सामने आया है, पुलिस का क्या कुछ कहना है इस फुटेज को लेकर? जी बिल्कुल मुस्कान, आप जिस तरीके से ये वीडियो सामने आया है और इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि किस तरीके से उमेश पाल को उसके घर के सामने गोली मारी गई और गोली मारने के बाद किस तरीके से उमेश पाल की शूटरों के साथ जो है वहां पे धक्का मुक्की का सामने जो है वो वीडियो सामने आया है। और वीडियो के दौरान ये भी देखा गया है कि उमेश पाल के उसी घर के सामने से गली के अंदर से एक लड़की निकलती है जो शूटरों से भिड़ने का प्रयास करती है, लेकिन गोली और बम की बौछार देखकर वो डर के मारे वापस लौट जाती है। उसी दौरान एक सिपाही भी उस गली के अंदर से दौड़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि इस पूरे वीडियो के दौरान ये कहा जा रहा है कि पूरे वीडियो के दौरान जो गोली चलाने वाला शख्स है वो अतीक अहमद का बेटा असद है। हालांकि इस पूरे वीडियो के दौरान अभी तक किसी भी अधिकारियों की जो है वो बयान सामने नहीं आया है, लेकिन आज 20वें दिन जिस तरीके से यह वीडियो सामने आया है
इसमें अतीक अहमद के बेटे अर्शद को शामिल होने के पुख्ता सबूत दावे किए जा रहे हैं और यह वीडियो आज 20वें दिन लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और यह बहुचर्चित हत्याकांड का मामला लगातार एक नए रंग को लेता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से इस हत्याकांड का एक नया वीडियो भी सामने आ चुका है तो पुलिस के जो अधिकारी हैं अब वो इस वीडियो को देखने के बाद किस तरीके से जो है आरोपियों की गिरफ्तारी करेंगे, क्योंकि एक तरफ शाइस्ता परवीन भी जो है वो लापता बताई जा रही है, उन पर भी इनाम घोषित हुआ है और लगातार ये कहा जा रहा है कि उनके करीबियों को जबरन उठाया गया है, तो ऐसे में पुलिस अब क्या कुछ कदम उठाएगी? बिल्कुल, अगर पुलिस की बात कर रहे हैं तो इस पूरे मामले को लेकर पुलिस के कोई भी आला अधिकारी सामने नहीं आ रहे हैं, किसी भी तरह के बयान से वो कतरा रहे हैं। लेकिन अगर कार्रवाई की बात की जाए तो अतीक अहमद के जितने भी करीबी हैं उनको उठाया जा रहा है और अतीक अहमद की जो पत्नी शाइस्ता परवीन है उनके ऊपर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है और अतीक अहमद के जो बेटे हैं उनके ऊपर जो इनाम की राशि है वो 5,00,000 रुपए कर दी गई है। अगर पुलिस की बात करें तो पुलिस इस पूरे घटना के अनावरण के लिए तमाम अन्य शहरों में भी दबिश डाल रही है। अतीक के जितने भी करीबी हैं, जितने भी उसके आसपास के लोग हैं उनके ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई की गई है और उनके जितने भी करीबी हैं उनको गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ की जा रही है। लेकिन अगर पूरे घटनाक्रम को देखा जाए तो पुलिस जो है वो कहीं ना कहीं अभी खाली नजर आ रही है, क्योंकि आज 20वें दिन जिस तरीके से ये वीडियो सामने आया है ऐसे में पुलिस के इकबाल को खुली चुनौती देते हुए ये वीडियो कहा जा सकता है। क्योंकि 2023 का सबसे बड़ा अभी तक का यह हत्याकांड बताया जा रहा है, अब फुटेज भी सामने आए हैं, 20 दिन हो चुके हैं लेकिन जो अभी शूटर्स है वो अभी पुलिस की रडार से बाहर है, छापेमारी तो हो रही है लेकिन आखिर गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पा रही है? बिल्कुल मुस्कान, यही बात है और यही सवाल लोगों के जेहन में बार बार कौंद रहे हैं कि आखिर 20 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस की जो LIU की टीमें हैं, पुलिस की जो इंटेलिजेंट है, पुलिस की जो खुफिया तंत्र है वो कहां से फेल हो रही है, क्योंकि लगातार आज 20वें दिन पुलिस के हाथ पूरी तरीके से खाली है। हालांकि अगर पूरे घटनाक्रम को देखा जाए तो पुलिस ने अभी तक इस घटना में शामिल 2 आरोपियों को मुठभेड़ में मार गिराया है, लेकिन अभी जो आरोपी मारे गए हैं वो पूरी तरीके से उस घटनाक्रम के जो शामिल आरोपी थे जिनके चेहरे सामने आए थे उनके अभी तक बातें वो सामने नहीं आई है। लगातार जो लोगों के सवाल है वो भी एक बड़ा सवाल की ओर जा रहे हैं कि आखिर इस पूरे घटनाक्रम के शामिल जितने भी आरोपी हैं वो पुलिस की पकड़ से अभी दूर कैसे हैं? बिल्कुल पवन, अभी आपने बताया कि 2 शूटर्स को मारा गया लेकिन जो इस हत्याकांड के बड़े चेहरे हैं वो तो अभी तक पुलिस के हाथ से बाहर है, उस पर क्या कुछ किया जा रहा है, उनको पकड़ने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? अगर पुलिस कार्रवाई को देखा जाए तो पुलिस की टीमें लगातार प्रयागराज सहित अन्य जनपदों में भी उन शूटरों की तलाश कर रही है और UPSTF लगातार जो है अन्य प्रदेशों में अन्य शहरों में भी तलाश कर रही है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है इस पूरे घटनाक्रम के शामिल जो वो आरोपी थे जिनके चेहरे घटनाक्रम के दौरान CCTV में सामने आए थे वो पुलिस की पकड़ से दूर है। हालांकि पुलिस की टीमें दावा कर रही हैं कि जल्दी इस पूरे मामले का खुलासा कर लिया जाएगा, लेकिन इस बहुचर्चित हत्याकांड के आज 20वें दिन भी पुलिस के हाथ पूरी तरीके से खाली है। हालांकि पुलिस जो है लगातार इन आरोपियों पर उनके ऊपर जो है इनाम की राशि बढ़ा रही है और उनको तलाश कर रही है, लेकिन कहा जा रहा है कि जल्द ही जो है वो बड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी। लेकिन लगातार 20 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक पुलिस के हाथ पूरी तरीके से खाली है। हालांकि पुलिस की टीमें अन्य प्रदेशों में लगातार उन शूटरों की और उन हमलावरों की तलाश कर रही है। बिल्कुल पवन, हम फुटेज देख सकते हैं कि किस तरीके से जो गोली बरसाई गई उसमें ये कहा जा रहा है कि अतीक के बेटे ने गोली चलाई है। अतीक के बेटे का क्या कुछ अपडेट है, क्या पुलिस को पता लग पाया है कि वो कहाँ है, क्या शाइस्ता परवीन का पता जो है वो पुलिस को चल पाया है कि पुलिस अभी भी हाथ खाली है पुलिस के? देखिए इस पूरे मामले को लेकर अगर सोशल मीडिया की बातें की जाए तो तरह तरह की बातें बहुत सामने आती है, कई तरह के अफवाहें सामने आ रही हैं। अगर पूरे घटनाक्रम को देखा जाए तो अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन ने पूरे घटनाक्रम को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम का CBI से जांच कराने की मांग की थी। अगर पूरे घटनाक्रम को देखा जाए तो अतीक के बेटे अर्शद के ऊपर इस पूरे घटनाक्रम का मुख्य आरोपी के रूप में जोड़ा गया है और पुलिस की जो पूरी टीम है वो अर्शद को ही तलाश रही है। आज जिस तरीके से यह वीडियो सामने आया है इसमें भी कहा जा रहा है, दावा किया जा रहा है उस पूरे वीडियो में असद ही सामने नजर आ रहा है, लेकिन अभी तक पुलिस के जो हाथ है वो पूरी तरीके से खाली है और असद की तलाश में पुलिस की टीमें प्रयागराज सहित अन्य जनपदों में अन्य शहरों में भी तलाश कर रही है, लेकिन अभी तक असद का पता नहीं चल पाया। अगर बीते कल की बात की जाए तो बरेली जेल में बंद अर्शद की पत्नी वो गुपचुप तरीके से मीडिया के सामने आई है और उन्होंने एनकाउंटर का जो है उन्होंने जिक्र किया है
उनको डर सता रहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस अशरफ का इनकाउंटर कर सकती है। लेकिन डर तो शाइस्ता परवीन को भी सता रहा था जब उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा, मांग की है कि जांच सही से की जाए, लेकिन अब तो वो खुद ही लापता हो गई है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये भी लापता होने वाली हो? बिल्कुल मुस्कान, अगर घटना के बाद से देखा जाए तो अभी तक शाइस्ता परवीन पूरी तरीके से कह लीजिए भूमिगत है, क्योंकि लगातार जो पुलिस की टीमें हैं वो शाइस्ता परवीन को भी ढूंढ रहे हैं और शाइस्ता परवीन के ऊपर भी 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। तो कहीं ना कहीं जो इस पूरे घटना के दौरान शाइस्ता परवीन का भी नाम सामने आया है, पूरे घटना में शाइस्ता परवीन को भी जोड़ा गया है, तो शाइस्ता परवीन भी इस पूरे घटनाक्रम के रूप में एक आरोपी के रूप में सामने आई है और वो भी अभी पुलिस की पकड़ से दूर है और पुलिस लगातार शाइस्ता परवीन को भी तलाश रही है। बिल्कुल, धन्यवाद पवन इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। सीबीआई ने मनीष सिसोदिया पर दोहरा शिकंजा कस दिया है। केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने दिल्ली सरकार की फीडबैक यूनिट में कथित गड़बड़ी को लेकर पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और अन्य के खिलाफ भ्रष्टाचार का नया मामला दर्ज किया है। आरोप है कि आप सरकार ने 2015 में एक फीडबैक यूनिट तैयार की थी और इसमें कई लोगों की जासूसी की गई थी। आरोप मुख्यतः विपक्ष पर जासूसी कराने का है और यह भी आरोप है कि इस यूनिट में भर्ती के लिए केंद्र सरकार से अनुमति भी नहीं ली गई थी और कहा जा रहा है कि सीबीआई ने इस मामले में जो एफआईआर दर्ज की है उसमें मनीष सिसोदिया को आरोपी नंबर 1 बनाया गया है। इस मामले में सीबीआई ने 14 मार्च को केस दर्ज किया था। सीबीआई ने मनीष सिसोदिया पर आपराधिक साजिश रचने, संपत्ति का बेईमानी से दुरुपयोग करने, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार करने के आरोप लगाकर केस दर्ज किया था। वही केंद्रीय जांच एजेंसी ने इस मामले की एफआईआर में 5 अन्य लोगों को भी आरोपी बनाया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी सुहानी हमारे साथ जुड़ चुकी है। सुहानी, जासूसी कांड में एक बार फिर से अरविंद जो केजरीवाल के करीबी हैं, मनीष सिसोदिया, उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, क्या कुछ अपडेट है इस खबर पर? जी मुस्कान, आपको बता दें कि दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती जा रही है। सीबीआई ईडी के जांच करने के बावजूद फिर से सीबीआई में दोहरा किए जो एफआईआर दर्ज किया, ये एफआईआर है जो फीडबैक यूनिट का एक मामला आया सामने। फीडबैक यूनिट जो है 2015 में जब आम आदमी पार्टी सत्ता में आई थी तो दिल्ली सरकार जो है वो ये अपना जो एक यूनिट बनाई थी, इसका मेन मंशा था विभागों के जो भ्रष्टाचार पे नजर रखना, लेकिन वही सरकार आरोप लगा रही है कि दिल्ली सरकार विपक्ष दलों के कामकाज पे नजर रखने के लिए ये अपना फीडबैक यूनिट बनाई थी। और वही उनका साफ तौर पर सरकार का ये भी कहना है कि ये फीडबैक के वजह से सरकार के जो जायदाद है उसमें 36 लाख का नुकसान हुआ है। और वही दूसरी तरफ सीबीआई का ये भी कहना है कि जब ये यूनिट बना था तो इस पे कोई भी प्रारंभिक मजबूरी से नहीं मिला था, और वही जब 2015 में इसे मंजूरी देने के इसे छानबीन किया गया तो एलएलबी नजीब जंग के पास ये गया और वो दोनों बारिश फाइल को खारिज कर दिए और वो पहली बार ही इन्होंने बताया कि इसमें बहुत ज्यादा गड़बड़ी है और उन्हें साफ तौर पर सीबीआई को ये मामला सौंप दिया। सीबीआई जब देखिए जासूसी कांड में 5 लोगों के नाम और निकल के सामने आ रहे हैं जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, उन 5 नामों के बारे में बताएं हमको। जी आपको बता दें कि इसमें मुस्कान जो 5 लोगों का नाम है वो पूरे जो आम आदमी पार्टी से ही जुड़े हुए हैं और इन पे पूरी कार्रवाई हो रही है और उनका हिसाब से ये भी कहना है कि जो मामला है ये पूरी तरह से आम आदमी पार्टी के जो मनीष सिसोदिया है उनके तरफ से किया गया है और इसमें तमाम जो आम आदमी पार्टी के जो नेता है उसमें जुड़े हुए हैं और ये पूरी तरह से विपक्ष का ये भी कहना है कि उनका ये मामला जो है कि विपक्ष के जो राजनीतिक काम है उस पर पूरी तरह से ध्यान दे रहे हैं और उस पर जाँच कर रहे हैं, जासूसी कर रहे हैं और ये पूरा तरह से अनैतिक है और इसे इस पे जांच नहीं करना चाहिए और इसी पे इनके आरोप लगाए जा रहे हैं। आपको ये बता दें कि इसमें तमाम जो आम आदमी पार्टी के जो नेता है वो इसमें शामिल हैं। बिल्कुल सुहानी, इसमें मुकदमा तो 2015 में ही दर्ज कर लिया गया था लेकिन ये साल चल रहा है 2023, तो आखिर एक्शन लेने में इतने साल क्यों लग गए? जी आपको बता दें मुस्कान कि इसमें 2016 में आपको बता दें कि इसमें एजेंसी जो ओर से कहा गया था कि जो इसमें कार्य सौंपा गया है फीडबैक यूनिट के जो प्रमुख राजनीतिक व्यक्तियों की जासूसी की गई थी, जिस सीबीआई के मुताबिक ये भी कहना है कि 8 महीने के दौरान जो फीडबैक यूनिट में 700 से अधिक मामलों की जाँच की गई थी और इसमें 60%
मामलों में राजनीतिक खुफिया जानकारी भी जुटाई गई थी, तो 8 महीने से इस पर जांच चल रही थी लेकिन कोई इसमें मुद्दा नहीं मिला था। वही जो जंग है उनका साफ तौर पर कहना है कि पहले ही कार्रवाई में हम इसमें बहुत सारी त्रुटियां दिखी थी और इसी ने हमने सीबीआई पर जांच बैठाने कही और सीबीआई इस पर जांच पड़ताल बैठा रही है और उन्होंने दोबारा इस पर केस दर्ज किया है। वही आपको दूसरी तरफ बता दें जो केजरीवाल का साफ तौर पर कहना है कि उन्होंने आज सोमवार को टॉन्ट मारते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री पढ़े लिखे होना चाहिए, ना कि जो अच्छे आदमी है, जैसे उन्होंने कहा कि जो हमारे जो पीए जो लेकिन सुहानी जिस तरीके से मनीष सिसोदिया की मुश्किलें डबल तरीके से अब बढ़ चुकी है, ऐसे में आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया आई है? जी मुस्कान, मैं वही आपको बता रही हूँ कि उसमें अरविंद केजरीवाल साफ तौर पर उनका कहना है कि हमारे प्रधानमंत्री को पढ़े लिखे होना चाहिए, ना कि किसी के कहने पे कुछ भी काम कर दे। वही उनका कहना है कि सत्येंद्र जैन और जो मनीष सिसोदिया वो पढ़े लिखे इंसान है, वो दिल्ली को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे शिक्षा के स्तर पे स्वास्थ्य स्तर पे लेके जा रहे थे, लेकिन इन सब कामों को हटाने के लिए, इन सब कामों से एकदम अलग करने के लिए जो भाजपा सरकार है, योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री मोदी, ये सबको हटाने के लिए उन्होंने ये षड्यंत्र रच रहे हैं और इसीलिए मनीष सिसोदिया स्वतंत्र जैन को उन्होंने जेल में डाल दिया। वो नहीं चाहते कि हमारा देश जो है अंतर्राष्ट्रीय असर पे पहुंचे, शिक्षा के असर पे पहुंचे और इन्हीं सब कामों के लेके उन्हें दोषी करार दे रहे हैं। बिल्कुल धन्यवाद सुमानी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए दर्शकों तक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। हमारे इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी और ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।